ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1964 गुरुवार। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी मनुष्य जो मनुष्य को ज्ञान देते हैं उनको कोई ज्ञान सागर नहीं कहा जावे, क्योंकि वास्तव में राधे कृष्ण का जन्म ये बैकुंठ में दिखाएंगे। द्वैतवादी द्वापर युग में राधे कृष्ण तो मनुष्य हो गए, वहां वो तो राजयोग सिखला ही नहीं सके। क्योंकि शास्त्र में ही लिख दिया है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण। और कृष्ण तो कलाओं में बंधे हुए देवता हैं, भगवान तो कलातीत कहा जाता है ना। कहते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, तो ला नहीं कहता है कि कृष्ण राजयोग सीख लेंगे। क्योंकि कृष्ण तो खुद ही राजा है, राजयोग सीख करके राजा बना, तो जरूर उनको कोई ने राजयोग सिखाया। दुनिया में तो और कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखला ही नहीं सकता। न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे महान धर्म पिताएं राजयोग सिखला सके, न राजाई दे सके। ये राजाई की पढ़ाई तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। राजा माने संपूर्ण स्वाधीन, बाप कोई प्रजा योग नहीं सिखाते हैं। प्रजा तो राजा की भरीड होती है, तो बेहद के बाप ने ही आकर के राजयोग सिखाया। और यहाँ तो पतित को पावन बनाना है या राजा बनाना है। तुम पतित हो, बरोबर पतित पावन आते हैं, और तुमको बैठ राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग में पतित से पावन बनने का गुह्यराज भरा हुआ है। और इनका कोई समय नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि कब आया। वेद का बाप कब आते हैं कब जाते हैं कोई को पता नहीं चलता। इस ब्रह्मा को भी पता ही नहीं चलता। हाँ, भक्ति मार्ग में बोलते हैं महाशिवरात्रि, तुम बच्चों को बताया कि उनकी रात्रि का अर्थ
और इन कृष्ण की रात्रि का अर्थ क्या है? रात दिन का फर्क है। ये तो आई है संगम की रात्रि, अर्थात घोर अंधेरे की रात्रि, जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि। ऐसा घोर अंधेरा होता है, अज्ञान का अंधेरा, कि सारी 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होती है, लेकिन बाप जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी घोर अंधेरे में आ जाते, ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक यज्ञोपवीतधारी अर्थात ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र, तीनों का ज्ञान सूत्र कैसे ब्रह्म फांस में बंद करके एक हो जाता है, और कैसे वो संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है, तो वो एडवांस नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण और दूसरे होते हैं वो जिन्होंने सिर्फ ब्राह्मण जन्म तो लिया है, लेकिन यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, न तीन ज्ञान के सूत्रों को जानते हैं, और नहीं बाप को पहचानते हैं। जो बाप आकर के ब्राह्मण स्व देवता बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी घोर अंधेरे की रात्रि में आ जाते हैं। मना सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, क्योंकि कहा ही जाता है जब ब्रह्मा का दिन पूरा होता है फिर रात्रि शुरू होती है, तो ब्रह्मा भी घोर अंधेरे में होना चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी घोर अंधेरे में होना चाहिए, तो फिर जब रात्रि आधा कल्प चल करके पूरी होती है तब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अब ये गाते भी हैं बरोबर, ये जो बेहद की रात्रि हुई इसको अज्ञान अंधेरी रात्रि कहा जाता है, वो है घोर अंधेरा और वो है घोर सुझरा। अंधेरा और सुझरा रात को नहीं कहेंगे, वो तो कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे के बाद मनाते हैं, परंतु वो तो ही हद की रात और ये है बेहद की रात, जिसमें बाप कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं आता हूं, तो तिथि तारीख तो कभी रहती ही नहीं है। 36 में भी आया,
प्रजापिता में आया, कोई तिथि तारीख तो बता ही नहीं सकता। भले ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिवरात्रि मनाते हैं, 40वीं शिवरात्रि, 43वीं शिवरात्रि, परंतु क्या उसी दिन आया? उनको पता है? ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाने लगते हैं। ऐसे ही संक्षेत्र में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। अब कोई को पता थोड़े ही चलता है कि 76 में भी कब आया। बल मुरली में बताया है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 5000 वर्ष हुआ। तो 1966 में से उल्टी तरफ चक्कर को घुमाए और पूरा न ले जाए, 10 वर्ष कम कर दें, तो कौन सा वर्ष आएगा? है 1976 आता है। तो भी 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। लक्ष्मी नारायण को नरसी नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला कौन? वो बेहद का आत्माओं का बाप कहां प्रत्यक्ष हुआ? इसलिए शिव जयंती की कोई भी तिथि तारीख नहीं है। न ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास है, न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास है। पीछे जो सतयुग का कृष्ण है उनकी तो तिथि तारीख है। उनकी तिथि तारीख कहां से आ गई है? अरे सतयुग की भी तो शुरुआत संगम में ही होती है ना, तो जरूर संगम में ही कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा जब संपन्न बनती है तब बच्चे की जन्म की तारीख मनाई जाती है। बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि फादर सो सन्स है। नियम क्या है? फादर सो सन्स, सन्स सो फादर। फादर तो समर्थ है, बेहद का बाप है, आलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो बच्चों को प्रत्यक्ष पहले करेगा कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाप बच्चे को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। और राम की तिथि तारीख त्रेता की, त्रेता क्यों कहा गया है? अरे त्रेता नाम क्यों पड़ा? सतयुग का नाम पड़ा क्योंकि सत्य बाप आकर के सत्ययुग की रचना करते हैं। ऐसा सत्ययुग और कोई होता ही नहीं। 16 कला संपूर्ण सत्य, सत्य धाम का रहने वाला, सत्य बात सुनाने वाला,
जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो बाप ही आकर के सत्ययुग की रचना करते हैं। फिर राम की त्रेता की तारीख तिथि तारीख कैसे बताएं? शास्त्रों में कृष्ण और राम की कोई यादगार है, कथा कहानी है कि संगम की सारी कथा कहानियां हैं? सारी कथा कहानियां शास्त्रों में जो भी है वो संगम युग की यादगार हैं। तो संगम युग में जब बाप आया तो किसी को पता नहीं चला। जैसे बच्चा पूर्व जन्म का शरीर छोड़ करके आता है तो गर्भ में प्रवेश करता है, कोई को पता चलता है? है? पता ही नहीं चलता। ऐसे ही बाप भी आया, पता कोई को नहीं चला। माता भी थोड़े ही बता सकती है कि बच्चा है कि बच्ची है, बता सकती है? नहीं। तो असली पता कोई को भी नहीं चलता। फिर बच्चा जन्म लेता है, बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, तब पता चलता है कि बच्चा आया। पहले घर वालों को पता चलेगा कि दुनिया वालों को पता चलेगा? पहले घर वालों को, फिर मोहल्ले वालों को, फिर गांव वालों को, फिर नंबर वार दुनिया वालों को पता चलता है। ऐसे ही बाप जो प्रत्यक्ष होता है, पहले नजदीकी बच्चों को पता चलेगा जो बाप के शिकील दे बच्चे हैं। अष्ट दिगपाल गाए जाते हैं, आठ देवा दिशाओं की पालना करने वाले हैं। शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं, जो धर्मराज की भी सजा नहीं खाते। इतना ऊंचा बाप, तो बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? हैं? सजा खाने वाले होंगे? अरे बाप ज्ञान का सागर सागर ही क्यों कहें, ज्ञान का सूर्य। तो बच्चे कोई कम होंगे क्या? बाप तो कहते हैं मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना करके जाता हूं, तो कोई तो बच्चे होंगे जो नंबरवार बाप समान बनते होंगे। उनमें आठ बच्चे बहुत प्रसिद्ध हैं, जो आठ धर्म है, आस्तिक धर्म है, भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले हैं। चाहे स्वदेशी धर्म है, चाहे विदेशी धर्म है, लेकिन आस्था फिर भी गॉड फादर के ऊपर रखते जरूर हैं। ऐसे आठ धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्वज माने उन आठ धर्मों में सबसे पूर्व, पहले
किसका जन्म हुआ होगा? है ज माने जन्म, पूर्व माने पहले, तो वो 8 जन्म लेते हैं। जैसे धर्म नंबरवार आते हैं, वैसे पूर्वज भी नंबरवार बाप के बच्चे हैं। फिर भी मुख्य 2 है, कौन? एक सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता, और दूसरा उसको जन्म देने वाला बीज बाप। 6 उनकी डायनेस्टी चलती है। जब कृष्णाष्टमी आएगी तो उनको समझाना चाहिए, ये तो बच्चा है जो शास्त्रों में गाया हुआ है। क्या वसुदेव के कितने पुत्र हुए? हैं? 8 पुत्र हुए। कृष्ण कौन से नंबर का था? 8वें नंबर का था। 7 मारे गए। कंस ने कोस लिए, तो जरूर यहाँ बेहद की बात है मरने की, यह हद की बात है। बेहद में मरना क्या होता है? अनिश्चय बुद्धि होना माने मर गए, तो 7 मर गए, 1 रह गया। जो 7 मर गए उन्हें शास्त्रों में देवता नहीं दिखाया जाता, सप्तऋषि के रूप में उनका गायन है। नर से नारायण पक्के नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? कच्चे बनते हैं, कम कलाओं वाले बनते हैं, इसलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी जो पहला नंबर कहो, 8वां नंबर कहो, वो ही सृष्टि का पहला पत्ता है। फिर भी वो बच्चा है या बाप है? फिर भी तो बच्चा है ना। और रात को दिन करने वाला तो आया ही नहीं है। सतयुग को दिन कहेंगे ना, तो कृष्ण बच्चा जो सतयुग के आदि में जन्म लेता है पहले पत्ते के रूप में, वो सतयुग का दिन करता है या प्रैक्टिकल में दिन करने वाला कोई और है? ज्ञान का सोजरा करने वाला तो कोई और है। ये तो ब्रह्मा की गाई जाती है। क्या है ब्रह्मा का दिन? ब्रह्मा की रात। और ब्रह्मा की आत्मा कौन सी है? जो कृष्ण की आत्मा वो ही ब्रह्मा की आत्मा। तो दिन और रात ब्रह्मा की गाई हुई है। प्रजापिता की ब्रह्मा की रात और दिन
नहीं गाया जाता, इससे क्या साबित हुआ कि प्रजापिता में ही ज्ञान सूर्य इस विषय पर प्रवेश करता है। क्योंकि ब्रह्मा ही सो फिर कृष्ण बनते हैं ना, तो गाते भी हैं ब्रह्मा की रात। कृष्ण की रात तो कोई भी नहीं गाएगा, क्यों? कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है, क्योंकि उनको तो अभी भी कहेंगे कृष्ण हाजर हुजूर है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना, कृष्ण भगवान है, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता, ऐसे कह देते हैं कृष्ण तो भगवान। देखो तुम कहते हो कि वो जन्म मरण में आते हैं, क्या तुम क्या कहते हो? कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो जन्म मरण से न्यारा होता है, और कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते? तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के भक्तों को बहुत गुस्सा आता है। आता है कि नहीं? बहुत गुस्सा आता है। कितना गुस्सा लगता है? तो फिर ये समझाना पड़ता है कि बच्चों को, क्योंकि अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना। अच्छा, कोई गीता की तो नहीं गाएंगे, तुम्हारी तो है ही शिव जयंती। शिव जयंती कहो या शिवरात्रि कहो, हाँ जयंती कहना भी ठीक है। क्यों जयंती कहना क्यों ठीक है? अरे जयंती और मरंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो वो निराकार साकार में आने के बाद साकार की जय जयकार नहीं करता क्या? है सदा के लिए माया से हार ही होती रहती है क्या? है बाप तो कहते हैं विजय तुम्हारा, तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, आखिरी विजय तुम्हारी है, बीच में माया कितना भी हालडोल मचाती रहे। तो कहेंगे हाँ जयंती कहना भी ठीक है, क्योंकि साकार में आकर के जय जयकार तो कराता है ना। तो कब कराता है, कब जयंती? तो कोई पूछे तो बोलो जयंती अर्थात रात्रि तो बरोबर मनाते हैं ना, महाशिवरात्रि। अच्छा, तो मनुष्यों को ये समझाना जरूर होता है कि शिव आया, सत्ताईस आठ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज, वो तो आकर के साधारण तन में बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं, है? गीता में भी क्या लिखा है, है? साधारण तन में आए हुए मुझे परमात्मा बाप को मूढ़मति लोग नहीं जानते हैं। क्या ब्रह्मा का तन साधारण कहे? गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा तब के हिसाब से लखपति करोड़पति
साधारण था या असाधारण था? असाधारण कहेंगे। और बाप तो कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूं, है तो साहूकार के तन में आता है क्या? नहीं आता। आया तो था, झूठ क्यों बोलते हैं? आया था लेकिन मां के रूप में आया, बाप के रूप में नहीं आया। बाप से तो वर्षा मिलता है, कौन सा वर्षा? बेहद की सुख और बेहद की शांति, परम धाम का वर्षा। फिर बेहद सुख का वर्षा अर्थात सतयुग स्वर्ग का वर्षा। तो बाप साहूकार के तन में नहीं आते, मां बन करके आ सकते हैं, लेकिन वर्षा देने वाले बाप के रूप में नहीं। और साधारण तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तुम देखते हो कि बरोबर शिव बाबा साधारण तन में आया हुआ है, है? कौन से साल की वाणी है? तो ये बात कैसे साबित होगी? है तुम देखते हो कि बरोबर शिव बाबा साधारण तन में आया हुआ है, है? कैसे साबित करोगे? 64 में उस समय तो ज्ञान में भी नहीं आई थी रामलालिया। जिन बच्चों को इशारा दिया उनको तो जरूर याद आता है कि यज्ञ के आदि में साधारण तन में ही पहले आया था, ये ब्रह्मा के तन में आया था, है? बाद में ब्रह्मा के तन में आया। और जब ब्रह्मा के तन में आया तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया, प्रजापिता तो उड़ गया। उसे क्या साबित हुआ कि सन 47 से मुरली चलना शुरू हुई। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखाते थे, बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी और सुनाई जाती थी। तो बताया आदि में भी साधारण तन में आता है और मध्य में भी साधारण तन में और अंत में भी साधारणतर, माने मुकर्रर है तो कौन सा हुआ? टेम्परेरी रथ किसे कहेंगे? टेम्परेरी रथ है जो आदि में तो था लेकिन एक एकदम आदि में था भी नहीं, मध्य में भी नहीं, अंत में भी नहीं, तो टेम्परेरी हुआ। और जो आदि में भी था, मध्य में भी था और अंत तक भी रहेगा, जब तक इस सृष्टि पर 500 करोड़ की प्रजा रहेगी तब तक वो बाप भी, मनुष्य सृष्टि का बाप भी मौजूद रहेगा और उसमें प्रवेश करने वाला आत्माओं का बाप शिव बाप भी रहेगा। बाप आया हुआ है परंतु कृष्ण तो यहाँ एक दो को कोई नहीं कहते हैं। समझाया जाता है कि हाँ भविष्य में कृष्ण भी आएगा। भविष्य में आएगा या नहीं आएगा, है? अरे सतयुग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना,
बाबा ने समझाया, आठ पीढ़ी भले प्रिंस, प्रिंस की गाई जाएंगी, जो भी आठ पीढ़ियों में बच्चे पैदा होंगे वो प्रिंस ही कहे जाएंगे। और छोटेपन में तो कृष्ण को भी मोहन ही कहते हैं, मोहन कहे या कृष्ण कहे ये तो एक ही बात है। जैसे अंग्रेजों में प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, तो जो पहली पहली गद्दी होगी इंद्रप्रस्थ है, तो ऐसे ही कहेंगे ना, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ है। जो फिर बाद में किंग बनते हैं, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, तो उस प्रिंस का कोई बाप भी होगा ना। तो गायन है, इंद्रप्रस्थ नगरी किसने बसाई, दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है श्लोक, किसने बसाई, धर्मराज ने बसाई। धर्म का राजा महाभारत में किसे कहा जाता है, जो धर्म पर ही चलता था, युधिष्ठिर को कहा जाता है। तो फिर जो उनका बच्चा होगा प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ है, बाद में वो किंग होगा, ऐसे कहेंगे ना। कहेंगे किंग तो नहीं होता है पर महाराजा ही गाया जाता है, क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण को श्री महारानी और महाराजा कहा जाता है। ये किंग अक्षर तो अंग्रेजी का है, वो मुसलमान लोग बादशाह कहते हैं। क्या क्यों है, अरे शाह माने राजा और बाद माने, इस्लाम धर्म पहले आता है या बाद में आता है, तो बाद में आते हैं तो उनको वो लोग अपने राजा को बादशाह कहते हैं। और यहाँ वास्तव में असल नाम है श्री लक्ष्मी महारानी और शीला नारायण महाराजा। तो अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नारायण ने कोई ज्ञान दिया था, हैं? नारायण ने ज्ञान दिया था या नारायण ने ज्ञान लिया था, नर से नारायण बना था ना, तो नर को नारायण कोई ने तो बनाया होगा। तो कहते हैं कि भगवान ने नर अर्जुन को नारायण बनाया, क्योंकि कृष्ण स्वयंवर के बाद बड़ा बनता है, तो वो भी नारायण कहा जाता है। अभी नारायण तो एक ही हुआ ना, कि भक्ति मार्ग में नारायण दो गाए जाते हैं, हैं? अरे एक नारायण की पूजा होती है या दो नारायण की, कि सात नारायण की, हैं? एक ही नारायण की पूजा होती है। तो अभी अभी माने
संगम युग में जैसा नाम वैसा काम, नारायण क्या, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। तो नेपाल में एक तालाब बना दिया है, उस तालाब में नारायण बैठा हुआ है लक्ष्मी के साथ। तो ज्ञान जल में घर किसका है, कृष्ण का। कृष्ण मनन चिंतन मंथन रूपी घर में रहता है क्या, है? उनमें तो बाप ने आकर मुरली चलाई, मनन चिंतन मंथन तो कुछ भी हुआ ही नहीं, समझ की बात तो कोई नहीं निकली। तो वो बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है, कौन, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज। क्योंकि बच्चों की बुद्धि इतनी चलती नहीं है, और वो नारायण तो बड़ा है, है? नारायण बड़ा है, बड़ा माने बुद्धि का परिपक्व है। अभी इनका ज्ञान सागर का नाम तो बदलता ही नहीं है, तो उनको समझाना है कि आने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। किसने है, ब्रह्मा ने आने से ही ज्ञान शुरू कर दिया या शिव ने आने से ही ज्ञान शुरू कर दिया? शिव ने किस में आकर के ज्ञान देना शुरू कर दिया? क्योंकि रथ तो बड़ा है ना, बड़ा का मतलब क्या है? अरे रथ बड़ा क्यों कह दिया? क्योंकि वो आदि में भी रहता है, मध्य में भी रहता है, अंत में भी है। वही आत्मा एक ही है जिसका मुकर्रर रथ है, कृष्ण का या ब्रह्मा का मुकर्रर रथ नहीं है। तो आने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, यज्ञ के आज में भी आया तो ज्ञान दिया, मध्य क्षेत्र में भी आया तो ज्ञान देना शुरू कर दिया, और यज्ञोपवीत जब होता है तो संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है ना। तो ऐसे यज्ञोपवीत को धारण करने वाला संपूर्ण ब्राह्मण संपूर्ण ज्ञान देगा, जिस ज्ञान को जो भी सुनेगा सन्मुख, जो भी आंखों से देखेगा सन्मुख, उसके मुख से क्या निकलेगा, है? मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, दुनिया का कोई भी एक्स वाई जेड आएगा, दो शब्द भी सुनेगा तो उसके मुख से क्या निकलेगा, मेरा बाप आ गया। तो परिपक्व ज्ञान कहेंगे या अधूरा ज्ञान कहेंगे? परिपक्व ज्ञान कहेंगे। उस समय सन्मुख आकर के कोई हिम्मत करेगा, जो गीता में लिखा है पर प्रश्न सेवया, अर्जुन से कहा है ना कि प्रश्नोत्तर करो, है? प्रश्नोत्तर करके ज्ञान को क्लियर करो,
कोई बात समझ में नहीं आती है तो अर्जुन भी पूछता था ना, नहीं पूछता था? पूछता था। तो जब संपन्न ज्ञान सन्मुख सुनेंगे तो ये पूछना करना चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? अभी क्यों नहीं निश्चय होता? क्यों निश्चय नहीं होता? क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता? निश्चय पत्र तो दे देते हैं लिख करके, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं। नशा नहीं रहता वैसे। यज्ञ के आदि में तो खून से लिख करके देते थे, अभी स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं। तो भी आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। तो अमरनाथ की औलाद कहेंगे कि मरने वाले हैं, मृत्युलोक के जीवड़े कहेंगे या अमरलोक के देवता कहेंगे? है, अभी भी मृत्युलोक के जीवड़े हैं, क्योंकि पक्के सदा काल के निश्चय बुद्धि नहीं बनते। तो देखो, आदि में भी आया तो ज्ञान दिया, फिर मध्य में आया तो और जोर से ज्ञान दिया, फिर लास्ट में प्रत्यक्ष होगा तो भी क्या करेगा? है, ज्ञान देगा, लंबा लंबा ज्ञान देगा, या दो शब्द भी सुनेंगे तो बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाएगा। क्योंकि ये रथ तो बड़ा है ना, छोटा मोटा ब्रह्मा का रथ है। अरे ब्रह्मा कितने प्रसिद्ध है? पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो चारों ब्रह्मा में कोई बड़ा ब्रह्मा होगा कि नहीं? है, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शुरू से ही जब से आए हुए हैं, वो भले अंधे में थे क्योंकि धंधे में थे, क्या यज्ञ के आदि में प्रजापिता भी धंधे में था या नहीं था? धंधे में था ना, कि आते ही तुरंत धंधा छोड़ दिया? धंधे में था, तो धंधे में थे तभी थोड़ा बहुत ज्ञान देना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत। मना पूरा पूरा ज्ञान उस समय नहीं दिया, अगर पूरा ज्ञान मिला होता तो राम बाप जिसे कहा जाता है वो फेल हुआ होता? फेल ही नहीं हुआ होता। क्योंकि जो थोड़ा बहुत ज्ञान देना शुरू किया तो किसके भी सामने बैठता था तो प्रभाव दिखलाता था, साक्षात्कार हो जाते थे,
ध्यान में चले जाते थे। जो आदमी वो लीला अंत में भी चलेगी, लेकिन बेचारे अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे। यज्ञ के आदमी कुछ अर्थ समझते थे? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, अर्थ को समझा क्या? नहीं समझा। ये समझ में आता है कि बरोबर इनमें कोई आया हुआ है क्या? कोई ये पक्का नहीं बैठता था कि भगवान आया हुआ है। जो ये सबको ज्ञान देते हैं और ये नॉलेज जो दे रहा है, क्योंकि ये नॉलेज समझाई जरूर थी परंतु समझ में नहीं आती थी। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको कहो लिखो, तो ये लिख कर आते भी थे, तो बाबा अनुभव सुनाते हैं कि जब ये बनारस में गए, कौन? दादा लेखराज। तो दीवालों पर बैठ करके ऐसे गोले निकालते थे, पेंसिल लेकर के उनकी सारी दीवालें खराब कर देते थे। समझ में ये नहीं आता था। उड़ता तो बेशक था, है? उड़ना माने बहुत खुशी में आ जाता था, भले साक्षात्कार में जाता था पर समझ में थोड़े ही आता था कि क्या है। क्योंकि बेबी बन गई ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। क्यों? ब्रह्मा बाबा बेबी बन गए, फिर उनको किसी ने तो समझाया होगा कि नहीं है, किसी ने समझाया तो उसको बेबी नहीं कहेंगे। इनको साक्षात्कार होते थे, इनको समझ में नहीं आता तो कहा बेबी बन गए, इसलिए समझ में नहीं आता था। फिर जिसने समझाया उसको क्या कहेंगे? बेबी है, बेबी तो नहीं कहेंगे। कि बेबी बन गए, जैसे कि और नया जन्म लिया। जैसे ये बच्चे भी कहते हैं मैं 8 दिन का हूँ, 15 दिन का हूँ, 1 महीने का हूँ, 6 महीने का हूँ, तो बाबा कहते हैं हम भी तो बच्चा बना ना। तो सिखलाने तो लगे ना। तो पहले इतना समझ में नहीं आता था, पहले इतना ज्ञान नहीं रहा, क्या समझाते? फिर हम क्या रिपीट करते थे कुछ पता नहीं पड़ता था, अगड़म बगड़म सब चला जाता था शुरू से ही। अब तो बड़े हो गए, देखो कितना बरस हुआ सीखते सीखते है। कितना साल हो गया? 64 में 18 साल हो गया। तो अभी अच्छी तरह से बाप की जो भाषा है इनको समझ में आती है। किनको है? ब्रह्मा बाबा। किसकी भाषा? बाप की भाषा। कौन से बाप की भाषा? शिव बाप कहे तो उनकी तो परमधाम में कोई भाषा होती ही नहीं, तो शिव बाप की भाषा तो नहीं कहेंगे। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं उनकी जो भाषा होती है
उसी भाषा में बोलते हैं। तो अभी अच्छी तरह से बाप की जो भाषा है इनको समझ में आती है, क्योंकि पहले तो ये बना ना, तो अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी ये नहीं बताना है जो मैं बच्चों को बताता हूं, परंतु नहीं, बच्चों को गीता और कृष्ण के जन्म पर समझाना है। चित्र तो है ही बरोबर, कौन सा चित्र था उस समय? नहीं, गीता और कृष्ण का कौन सा चित्र था? चित्र था जो प्रदर्शनी अंक में बेसिक वाले में दिया हुआ है, गीता का भगवान कौन, एक तरफ कृष्ण बच्चा रखा हुआ है, गीता का भगवान नीचे गीता की पुस्तक रख दी है, और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु बनाई दिया और नीचे पुस्तक रख दी है। अब जो नीचे पुस्तक रख दी है और ऊपर शिवलिंग शिव का निराकारी रूप दिखाई दिया, तो उससे गीता का भगवान साबित होता है क्या? है क्यों नहीं साबित होता? हाँ, गीता का भगवान तो आकर के गीता बोलेगा ना। अरे धर्म पिताएं भी आए तो उन्होंने क्या कोई कुरान पुस्तक लिखी, बाइबल लिखी? बुद्ध ने आकर के धम्मपद लिखा? लिखा नहीं। क्या किया उन्होंने? तो ओरली, मुख से बोला, जो उनके शिष्यों ने नोट कर लिया और बाद में 100-200 साल के बाद पुस्तक बन गई। तो ऐसे ही बाप भी आकर के क्या करते हैं? गीता सुनाते हैं या गीता लिख करके रख देते हैं? हैं? सुनाते हैं। तो भक्तों की बुद्धि में जो आया सो उन्होंने प्रदर्शनी अंक में लिख दिया, रख दिया। क्या रख दिया? कि शिव भगवान जब आते हैं तो गीता पुस्तक बना के रख देते हैं। ये हुआ शिव बाबा की रचना, गीता का भगवान। लेकिन बाप तो कहते हैं, जैसे धर्म पिताएं आकर के ओरली मुख से सुनाते हैं, वैसे मैं भी सुनाता हूं। तो किसी के मुख से सुनाई होगी ना, वो कौन? तो पीयू का नाम ही छुपाई देते हैं। क्या पीयू का नाम बोलते ही नहीं? जिस पीयू की वाणी उन्होंने कराची में जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके लोहे के बक्स के अंदर दबाई दी, ये दबाने करने का काम कौन करते हैं? मुसलमानों ने किया हिंदुस्तान में। भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ में जलाई दिया, जमीन में गाड़ दिया, नदी में फेंक दिया। ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग होती है। अभी भी तुम्हारे एडवांस ज्ञान के लिटरेचर को क्या करते हैं अगर उनके हाथ में आ जाए? हैं? फाड़ के फेंक देते हैं। तो बोला
चित्र तो बरोबर है, देखो ये झाड़ ब्रह्मा का फोटो भी है, उसने ये हाथ किया है, उनको मक्खन मिलता है, ये काहे का मक्खन है? है किसने हाथ किया है? क्या हाथ किया है? अरे सुनते सुनते ही भूल जाते हैं। बोला देखो ये ब्रह्मा का फोटो है ना, उसने हाथ किया है, किसने नहीं, किसने, उसने, किसने है? जो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा उसकी तरफ इशारा किया तो उसने ये चित्र, पुराना चित्र हाथ में कर लिया, पक्का प्रूफ है ना, है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही छपाया गया है, ब्रह्मा के टाइम पर ही छपाया गया था, अभी तो उन्होंने ये चित्र उड़ाए दिए। उसने ये चित्र हाथ किया है, उनको मक्खन मिलता है, किनको, उनको, इनको नहीं, काहे का मक्खन है? नहीं, ज्ञान तो बहने वाला है, ज्ञान का दुग्ध कहे, ज्ञान का जल कहे, वो तो लिक्विड है, और मक्खन तो है, मक्खन तो जाम हो जाता है, तो बरोबर ये विश्व के मालिक पने का मक्खन है क्या? वो चित्र भी उन्होंने ही बनाया है, कृष्ण का चित्र सीधे हाथ में विश्व का गोला है, और बाएं पार में कलयुगी दुनिया का गोला लात मार रहे। कौन से कृष्ण की बात है? ये संगमयुगी कृष्ण की बात है। जो संगमयुगी कृष्ण है, जिसके बुद्ध रूपी हाथ में नई दुनिया का सारा प्लान आ जाता है, और जैसे कलयुगी पुरानी दुनिया को, भस्म होने वाली दुनिया को लात मार देता है, ये पदमान मर्तबा लेता है पुरानी दुनिया का, लेता है? अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए नहीं लेता है, है? ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई मजबूरी है इसलिए नहीं लेता है। अरे ये तो बाप ने बोला है तुमको राष्ट्रपति का पद मिले तो भी तुम थूक मारेंगे, थूक देंगे, हम नहीं लेते इसको, ये तो कांटों का ताज है, थोड़े टाइम का है, आज बैठाते हैं कुर्सी पर और कल 5 साल पूरे भी नहीं होने देते, पहले ही उतार देते हैं। तो देखो ये कृष्ण आया ही है सतयुग की प्रारब्ध लेकर के, ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि सतयुग का पहला प्रिंस है क्या? कौन से सतयुग का? अरे संगम में सतयुग शुरू होता है,
या सतयुग में ही शुरू होगा। तो वो आया ही हुआ है अपनी प्रारब्ध लेकर के, है आया हुआ है। 64 में बोला आया ही हुआ है अपने विश्व के मालिक पने की प्रारब्ध लेकर के। ब्रह्मा कुमारी क्या जवाब देंगी इस बात का? वो तो 68 में ही शरीर छोड़ गया कि नहीं? विश्व के प्रारब्ध कहाँ चली गई विश्व के मालिक पने की? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उसने बैठ करके औरों की प्रारब्ध बनाई है। किसने? संगमयुगी कृष्ण ने बनाई है, बनाई उसने बनाई या शिव बाबा ने बनाई? नहीं, कृष्ण के साथ कृष्ण की सारी राजधानी है, क्योंकि प्रिंस वाले की तो राजधानी होती है ना, तो वहां बाप की राजधानी होती है। जरूर उसने जन्म लिया है प्रिंस ने, जरूर कहेंगे ये प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और जरूर कोई ने इनकी प्रारब्ध बनाई है, क्योंकि विश्व का जो पहला प्रिंस है, कहां का प्रिंस है? संगम में तो है, लेकिन विश्व का है या सतयुग का है? विश्व किसे कहेंगे? जहां विश्व धर्म मौजूद हो। तो विश्व का जो पहला प्रिंस है, जरूर उनके पीछे भी तो प्रिंस बने होंगे ना, बने या नहीं बने? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।